हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, उसका पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। सो यू कैन सी दिस इज क्रूड ऑयल एंड क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट आज देख सकते हैं 5257, फर्स्ट रेजिस्टेंस 5303, सेकेंड रेजिस्टेंस 5363 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 5409, फर्स्ट सपोर्ट 5197, सेकेंड सपोर्ट 5151, थर्ड सपोर्ट 5091। तो अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल का डेली चार्ट, तो जैसे मैंने ये पहले दिया था, ये रेजिस्टेंस लाइन, तो इस रेजिस्टेंस लाइन में ही क्रूड ऑयल अभी है। तो आज देख सकते हैं क्रूड ऑयल क्या होने वाला है, उसका ऊपर हम बात करेंगे। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने एक पहले ये रेजिस्टेंस था, अभी यहाँ पे आज मार्केट टू गैप अप ओपन हुआ है, तो इसमें क्रूड ऑयल का एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है 5307 में। तो आज क्या होने वाला है वो देखेंगे। तो डेली चार्ट में देखता है तो ये मार्केट अप ट्रेंड है, तो इसका रिट्रेसमेंट दिया हुआ है। तो मैंने जो दिया था, फर्स्ट सपोर्टिंग लेवल ब्रेकआउट किया, सेकेंड किया थर्ड, तो थर्ड को ब्रेकआउट नहीं किया, तो वहाँ से मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है। तो इसमें देखना है अभी आज क्या होने वाला है। तो इस सीसीआई भी थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी 4 आवर चार्ट में देख सकते हैं, 4 आवर चार्ट में ये एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी सपोर्टिंग लाइन में था। तो पहले सपोर्टिंग लाइन था, तो वहाँ से थोड़ा बहुत पुल अप हुआ, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ऊपर ही रहना चाहिए आज मार्केट। तो 1 आवर में देखे, तो 1 आवर में ये 200 मूविंग एवरेज, तो मार्केट तो 1 आवर जो टाइम फ्रेम है उसमें तो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो डाउन ट्रेंड में इससे थोड़ा रिट्रेसमेंट तो देना ही चाहिए, मुझे लगता है ये मार्केट आप फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन मिलेगा। अगर हम देखे तो मूविंग अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज ये 5385 फर्स्ट रेजिस्टेंस, और हम अगर 5 मिनट चार्ट में देखेंगे तो 5 मिनट चार्ट में आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड जो था वो कंप्लीट होके अकॉर्डिंग टू प्राइस, क्या प्राइस एक्शन जो मेथड होता है ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करने के लिए, और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में है। तो मुझे लगता है ये 5428 तक तो जाना चाहिए मार्केट। तो पहले बाय लेने से पहले हमको कंफर्म करना पड़ेगा जो आज ओपनिंग हुआ, मतलब हायर तक गया, उसको ब्रेकआउट करना चाहिए, तो उसका ऊपर ही आप बाय ले सकता है। अगर मार्केट फिर से नीचे आ गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देना चाहिए। तो पहले अभी कोई एंट्री लेना मुझे तो सही नहीं लगता, तो इसलिए थोड़ा देर होल्ड करके मार्केट का बिहेवियर को देखना चाहिए। ओके, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।